हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बहुत ही आसान सा ये पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, इसे बनाना जो है बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बन जाता है। सिर्फ 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है ये। देखिए, यहाँ पे मैंने ये 3 बार बनाया हुआ है और 8 के 8 रोज़ इसकी सारी की सारी सिंपल हैं, बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह का जल्दी से बनने वाला कोई पैटर्न है चाहिए और आसान भी हो बनाना, फटाफट से बन जाए, तो आप इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो इसे आप जेंट स्वेटर पे डालिए या बेबी सेट्स पे डालिए, लेडीज़ कार्डिगन्स पे डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको आराम से डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से बनता जाएगा। तो देखिए, 8 रोज़ हम बनाएंगे, तो मैं यहीं पर यहाँ ऊपर बना के बताऊँगी आपको कि किस तरह से बनानी है। फर्स्ट रो जो है वो हमारी फ्रंट साइड पे बनेगी और लास्ट 8th रो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। और इसे बनाने के लिए देखिए, हमने फंदे जो है 4 के मल्टीपल में लेने हैं। 4 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमें लास्ट में 3 फंदे और लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिंपल बनाया है, यहाँ पे मैंने 4 के मल्टीपल में 20 फंदे लेने के बाद 3 फंदे और बना लिए हैं। यहाँ पे 23 फंदों पर ये सैंपल मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपने फंदे लेने हैं। और अब चलिए इसकी रोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट साइड पे देखिए, रो 1 हम किस तरह से बनाएंगे, बॉर्डर वगैरह सब कुछ डाल लेंगे। उसके बाद रो 1 देखिए फ्रंट साइड पे हम इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, तो इस तरह से हमारे 3 फंदे साइड में आ जाएंगे। अब चौथा फंदा जो होगा वो हमारा सीधा होगा, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए, शुरू के 3 फंदे छोड़ देंगे, तो ये एक सीधा और 3 उल्टे। इसी तरह से हमने सारे के सारे फंदे बनाने हैं, तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते जाएंगे हम। एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, लास्ट में यहाँ पे एक सीधे के बाद 3 फंदे लास्ट में हमने उल्टे बनाने हैं। तो ये ऐसे हम रो 1 को बना लेंगे। अब रो 2 देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। रो 2 भी हमारी सिंपल है। देखिए, जो फंदा हमें सीधा नज़र आ रहा है रो 1 बनाने के बाद, जो फंदा पीछे की साइड पर रॉन्ग साइड पर जो हमें सीधा नज़र आएगा उसे हमने सीधा बनाना है, जो उल्टा नज़र आएगा उसे उल्टा बनाना है। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए, 2 फंदे हमें सीधे नज़र आएंगे, हमने उन्हें सीधा ही बनाना है इस तरह। और उसके बाद हमें एक फंदा उल्टा नज़र आएगा, ये ऐसे, और 3 फंदे सीधे। तो ये इस तरह से देखिए, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से हम सारे फंदे रिपीट कर लेंगे, हर 4 4 फंदे। इस तरह से एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे, लास्ट में एक उल्टे के बाद लास्ट में आएंगे 3 फंदे सीधे। तो हम इन्हें सीधा सीधा बना लेंगे। ये हमारी रो 2 कंप्लीट होती है। और अब देखिए, जिस तरह से हमने ये रो 1 और रो 2 बनाई है, उसी तरह से हम रो 3 और रो 4 बना लेंगे। तो हम रो 1 और रो 2 को एक बार रिपीट कर लेंगे और 4 रोज जो है वो पूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है रो 1 और रो 2 को एक बार रिपीट करके ये 4 रोज जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। तो 4 रोज के बाद ये हमारा पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा। अब देखिए, अगर आपको ये पोर्शन जो है इतना ही रखना है, तो आपको ये 4 रोज बनानी है। अगर आपको रो 3 और रो 4 जो है स्किप करनी है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा बनेगा, इससे आधा बनेगा। अगर इस तरह से अच्छा लग रहा है तो इस तरह से बना लीजिए। तो अब देखिए, अब हम रो 5 पर आ गए हैं फ्रंट साइड पे। रो 5 हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद आप देखिए, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे, जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है, अब इस पर हमने 3 फंदे बना लेने हैं इस तरह से।
सीधा बुनेंगे, फिर जाली ले लेंगे, जाली फंदा बनाएंगे बीच में, फिर एक बार फिर से सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से एक से तीन हमने ऐसे बनाने हैं। तो अब बीच में तीन फंदे तो हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे अभी, तो तीन फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, धागा पीछे करके, फिर जहाँ पे एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है वहाँ पे एक फंदा, एक से तीन फंदे बना लेने हैं। तो इस तरह से एक एक बार सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक बार फिर से सीधा बुनेंगे इस तरह से, और तीन फंदे उल्टे, एक से तीन फंदे बनाएंगे। तो इस रो में जो है हमारे फंदों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदे पर हमने तीन फंदे बना लेने हैं इस तरह, तीन फंदे उल्टे, एक सीधे फंदे के तीन फंदे जो हैं हम ऐसे बना लेंगे, लास्ट में तीन फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं इस तरह। तो रो फाइव जो है हम इस तरह से बना लेंगे। अब रो सिक्स जो है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो एक फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे हमारे पास सीधे होंगे उन्हें हमने सीधा बनाना है, और देखिए अब जो एक से तीन बनाए हुए हैं फंदे वो तीनों हमने उल्टे बना लेने हैं। तो तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारे पास तीन फंदे सीधे आ जाएंगे जो सीधे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तीन फंदे उल्टे। तो रो सिक्स पे हमारा तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे का पैटर्न रहेगा ऐसे। तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, और लास्ट में तीन फंदे सीधे, ये इस तरह से। तो ये हमने छह रोज कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब आते हैं सेवेंथ रो पे, फ्रंट साइड पे आके देखिए हमने अब क्या करना है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद अब हमने एक फंदा जो है उल्टा बना लेना है ऐसे। अब हम यहाँ पे धागा पीछे कर लेंगे, और ये जो एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है और एक ये उल्टा, इन्हें हमने इस तरह से साथ में बुनना है इस तरह से, और ये बीच में एक फंदा सीधा है इसे हमने सीधा ही बुनना है। अब यहाँ पे ये दो फंदे जो हैं इन दोनों फंदों को, एक सीधा एक उल्टा जो है, इन्हें ऐसे खोल के घुमा के हम सीधा इस तरह से साथ में बुन लेंगे, और इसके बाद एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। अब हम रिपीट करेंगे इन्हीं फंदों को। तो यहाँ पे दो फंदों को हम ऐसे बुनेंगे इकट्ठा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये दो फंदे इस तरह से, एक फंदा उल्टा, फिर से एक सीधा और एक उल्टा को साथ में ऐसे बुनेंगे, बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर इस तरह से दो फंदे खोल लेंगे और इस तरह से सीधे बुन लेंगे साथ में। तो इस रो पे जो है हमारी ये फंदों की संख्या जो है वो वापस उतनी ही आ जाएगी जितने की शुरू में थी। दो फंदे इस तरह से, एक फंदा सीधा, दो फंदे खोल के साथ में, फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे एक और बार कर लेते हैं, दो फंदे इस तरह से साथ में बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये दो फंदे इस तरह से, और लास्ट में दो फंदे उल्टे बुनेंगे। इस बार दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे लास्ट में। तो ये जो है हमारी रो सेवन जो है वो इस तरह से बनेगी। अब आते हैं लास्ट रो, एट रो पे, रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन फंदे उल्टे आएंगे हमारे, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा और तीन फंदे उल्टे। तो यहाँ एट रो पे हमारे एक फंदा सीधा आएगा और तीन फंदे उल्टे आएंगे। तो इन्हीं फंदों को हमने रिपीट करते जाना है, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे,
और इस बार लास्ट में हमारे पास दो फंदे सीधे आएंगे, तो 8th रो जो है हमारी इस तरह से कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमने जो है ये 8 रोज़ हमने बना ली हैं, और बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आता है देखिए, और अच्छा लगता है, सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन है ये, और बड़ी आसानी से डाला जा सकता है। इसके बाद देखिए हमने इन्हीं 8 रोज़ को जो है ऊपर रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम रो 1 को रिपीट करेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और ये सीधा फंदा जो है उल्टा बनाना है, और फिर ये बीच का एक फंदा सीधा बनाना है, फिर 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए इसमें बीच वाला तो उल्टा ही है, लेकिन ये जो साइड वाले सीधे सीधे हैं इन्हें हमने उल्टे बनाते जाना है जब हम रो 1 जो है रिपीट करेंगे, और ये बीच का फंदा एक सीधा आता जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 उल्टे और एक सीधा फंदा जो है बनाते जाना है, तो ये हम इस तरह से रिपीट करेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा, और बनाइए अब आप, फिर बताइए कि आपके प्रोजेक्ट्स पर ये किस तरह से बन के आता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।